परसों ही हाईकोर्ट ने इसको रिलीज लेवल पे हम जा रहे हैं और ताकि जम्मू हमारा बड़ा सक्सेसफुल टूर रहा, क्योंकि इसमें एक चीज है कि हम लोगों के जहन में जो खदशात थे वो दूर हो गए, क्योंकि हमने देखा कि जम्मू वाले जो हैं वो ऐसी बात नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जैसे कि हम ये कहते थे कि जम्मू अलग होना चाहता है जम्मू वाले, ये ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि 35A में न फेडरल हो न एब्रोगेट हो, न 370 में न एब्रोगेट हो न फेडरल हो, दे आर ऑन द सेम पेज। वी आर थैंकफुल टू अल्लाह क्योंकि इस तरीके से हमारा भाईचारा उनके साथ कायम रहेगा और ताल्लुकात और रिश्ता भी कायम रहेगा। रहा सवाल, आपको तो जानते हैं कि 35A इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी टिल द डिस्पेंसेशन ऑफ कश्मीर इशू, और इसको रहना है उस वक्त तक। उनसे भी हमने मैं बीजेपी के हेडक्वार्टर में जब हम गए तो हमने उनको बता दिया, देखिए जम्मू कश्मीर एक मसला है और जिसे आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं एक मुतनाज़ मसला है, और इसके फरीकैन भी आप जानते हैं कौन कौन है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि फिलहाल उस मसले पे हम आपके साथ न आप हमारे साथ बात करें न हम आपके साथ बात, क्योंकि ये इसमें तीन फरीक हैं, हमारा आपके साथ कोई मसला हल नहीं हो सकता। लेकिन जहां तक हमारे घर के तहफ्फुज का सवाल है, जो घर हमारा है हमें बुनियादी तौर पे उसका तहफ्फुज यकीनी बनाना है, और दे वर ऑन द सेम पेज, वो हमारे साथ उसमें थे, उन्होंने हमें यकीन दहानी दे दी कि 35A और 370 में किसी भी सूरत में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। हो रही है, किस लिए हो रही है, क्यों ये इतना कर रहे हैं, हमारी माएं बहनें सब परेशान हो रहे हैं, घरों में सो नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डे बाय डे सीरियस इश्यूज हो रहे हैं, ये बोल रहे हैं मास हिस्टीरिया है। अगर इनका कहना मास हिस्टीरिया, लड़कियां क्यों अनकॉन्शियस हो रही है आज तक, इन्होंने क्या इसके लिए जितने भी कल्प्रेट्स हम लोगों ने इनको दिए हैं, जितनी भी माएं बहनों ने कल्प्रेट्स को पकड़ लिया है, क्या इन लोगों ने आज तक किसी को FIR लॉन्च किया है? नहीं, बल्कि इन लोगों ने अपनी पॉलिसी चलाई, नहीं, इट्स अ मास हिस्टीरिया बट इट इज नॉट अ मास हिस्टीरिया, वी कॉन्ट टॉलरेट इट एनी मोर, एनफ इज एनफ, वी विल कम ऑन रोड्स नाउ। एक तरफ से आप डायलॉग शुरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप बोल रहे हैं कि NIA भी चालू रहेगा। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट हियर। व्हाट दे आर डूइंग इज, उन्होंने करें NIA जिसको करना है करें, बट डोंट यूज इट एज अ टैक्टिक। दे आर यूजिंग इट एज NIA कैनॉट बी यूज एज अ टैक्टिक, एज अ टूल, एज अ शील्ड और टू शील्ड समबडी, नो इट कैनॉट बी डन दैट। ऐसे लगा है क्या हमारी हुकूमत इतनी अंधी है कि बगैर उनको और कुछ नहीं दिखता है? क्या ये क्या चीज चल रही है, या ये हुकूमत क्या कर रही है, ये अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए अब किस हद तक भी नीचे आई है कि 85 साल बुजुर्ग को आज छठा PSA लग के अंदर रखा है, बाहर नहीं आने देते हैं, इसको कोई लुक ऑफ करने के लिए नहीं है। इसके दो बेटे मारे गए हैं, इसके घर में अब कोई नहीं है, इसकी बेटी है चीखो पुकार कर रही है, इसका भाई गुलाम सिंह साहब यहाँ पे आइए एक सेकंड मत को, और तीसरी बार नहीं चौथी बार आज पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इसको फिर बंद किया है, रिलीज नहीं किया है और कुपवाड़ा सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया है।